श्रीमंत विजय राजे सिंधिया बस स्टैंड में पसरा गंदगी का अंबार, नगर पालिका नहीं दे रही ध्यान। पोहरी रोड पर स्थित नवीन बस स्टैंड में श्रीमंत विजय राजे सिंधिया के नाम पर रखा गया है, लेकिन शिवपुरी नगर पालिका की अनदेखी के चलते बस स्टैंड परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि लोगों ने बताया कि कर्मचारी आते हैं और बाहर सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय पर कोई भी सफाई नहीं होती। यहाँ पर असामाजिक तत्व भी आते रहते हैं, जिसके चलते परिसर में गंदगी पसरी हुई है। यहाँ बताना होगा कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और इस तरह परिषद को तैयार किया गया है, जिसमें कई खामियां देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें कि नालियों का निर्माण भी इसी तरीके से किया गया है, नालियों का पानी निकासी भी नहीं हो पाती। यहाँ बताना होगा कि पानी यथावत नालियों में भरा रहता है, जिसके चलते लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है और जनता के लिए आवेदन का खतरा भी बना हुआ है। जी, आप बस स्टैंड पे क्या काम करते हो? चौकीदारी जी। तो यहाँ पे साफ सफाई वगैरह होती है कि नहीं होती? नहीं होती, इतनी थोड़ी बहुत कर जाते हैं नीचे नीचे। जो यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है, उसमें साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है क्या? बहुत दिन से नहीं हुई, बहुत दिनों से नहीं हुई है। तो ऐसी ठंड में यात्री कहाँ जाएंगे? आते नहीं इतना ज़्यादा, यात्री तो पड़े रहते हैं, भारी पड़े रहते हैं इतनी ठंड में। तो कोई भी कर्मचारी अंदर सफाई करने नहीं आता? इसकी शिकायत वगैरह आपने की थी एक आध बार? आपका जो अच्छा, तो ये कमरे में बाकी में आप सफाई करते हो खुद? बैठने के लिए खुद के लिए? देखिए, बस स्टैंड पे गंदगी की शिकायतें पहले भी आई हैं, और वो हमने बस स्टैंड की पूरी व्यवस्था एक एजेंसी को आउटसोर्स कर रखी है, तो उसकी शिकायतें पहले भी आई हैं। मैंने भ्रमण किया था, बीच में उसको नोटिस भी जारी किए गए हैं, और एक अंतिम नोटिस के साथ हमारे लोग दोबारा जाके देखेंगे, और अंतिम नोटिस के साथ यदि सुधार नहीं होता है तो हम जल्द ही संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे।